हाँ सही है। इस वीडियो को बनाने का ना पर्पस मैं बताता हूँ क्या है यार। अपने को ना चेक करना है कि यार रोज मतलब कि दिमाग ख़राब क्यों हो जाता है। दिमाग ख़राब करने का मतलब है कि एंजाइटी, नर्वसनेस और ये घबराहट जैसी चीज़ें क्यों आ जाती हैं, जबकि इतना पता हो भी चला है कि यार सब कुछ नॉर्मल या टेम्परेरी तो है यार। कुछ अलग ही फेज़ है लाइफ का। लाइफ का मतलब ये थोड़ी है यार कि दिमाग ख़राब कर लो। जितना मिल रखा है ज़िंदगी में इतना कम है क्या? कितने करोड़ों लोगों से बहुत बढ़िया लाइफ है। तो मतलब कि लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ क्यों है, दिन रात शाम दोपहर इन चीज़ों में फंसने से अच्छा है क्या कर सकते हैं? 22 मार्च, आज कल 21 मार्च को होली स्पेशल में आर्ट ऑफ लिविंग का जो सेशन आया था उसकी 10-15 मिनट की जो पहली मेडिटेशन थी, कातिलाना थी। वो कातिलाना मतलब मन शांत हो गया था, मन शांत। अब ये जो वर्ड है ना मन शांत, ये सारे दुखों का इलाज है। हमारा जब मन शांत नहीं होता ना तो हमारे अंदर कमेंट्री चलती रहती है, कुछ ना कुछ हम अपने आप से बड़बोली बातें करते रहते हैं जिसके कारण हमारा मन दुखी हो जाता है। और मन दुखी होने का मतलब क्या है, अब अपने आप से कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं अपने मन में जिसमें हम या तो पास की बातें सोच के दुखी होते रहते हैं कि यार पास में ये अच्छा कर सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था, पर नहीं किया, रिग्रेट आते हैं। और अगर कल की सोचते हैं तो बड़ी परेशानियाँ होती हैं यार, कैसे करूँगा मैं, मेरा नाम कैसे होगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगा, ये वो ढुमकाना। तो मन हमें ना हमारे दिमाग ख़राब कर देता है मन। इसीलिए सेशन के बाद ना गुरु जी मतलब कि भाई साहब ने भी यही बोला था कि किसी और का मन नहीं, हमारा खुद का मन हमें परेशान करता है, तो हमें ना उसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। बेसिकली अगर आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना और डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आप दवाई ले ही नहीं रहे, तो सिंपल वे में अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हो या सफ़र कर रहे हो कि यार आपका मन शांत नहीं रहता, आपका मन कंट्रोल में नहीं है, तो आपको बोला होगा कि सर रेगुलर मेडिटेशन करो सुबह और शाम 15 से 20 मिनट आराम से। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कुछ हथौड़े मारने हैं, नॉर्मली ब्रेथ को अपनी देखना है, समझना है, ये करना है। और कोई भी एक नॉलेज वाली वीडियोज़ रोज़ देखो, कॉन्टिन्यूसली हर डे देखो, ताकि आपको पता चले कि यार मन को कंट्रोल नॉलेज ही कर सकती है, उसको समझा सकती है कि यार होना ये बड़ा नॉर्मल है, सबके साथ हो रहा है। अब कुछ सवाल हो रहे हैं ना तो उसको सवालों को सुनो, लिख लो उसके बारे में, उसी टाइम सोचो और चले जाओ। एक सवाल के बारे में सारा दिन सोचने से थोड़ी कुछ बनेगा, ठीक है? उसी पॉइंट पे सोचो, जैसे तेरे मन में चल रहा है मैं तुम LIAC AAO का एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ, भाई तेरे में पोटेंशियल है 70 लाने की, प्री में 70 लाने की, उसके बाद मेन्स में नंबर लाने की है, तो अपने आप को लिख, फिर वो पढ़, फिर वो दे दे। हाँ है तो भी ठीक है, ना है तो भी ठीक है, उसमें बार बार सोचने का मतलब ही क्या है? और लाइफ को ना एकदम सिंपल जियो, दिनों में जियो। जिसने जितने कम चीज़ों में जिया है ना लाइफ को, वो उतना ज़्यादा खुश रहा है। हम लाइफ को बहुत बड़ा कर देते हैं इसलिए दुखी रहते हैं। लाइफ को जियो 9 to 9, 9 to 9 12 घंटे हैं ये, 9 to 9 में काम कर लो जो करना है, उसके बाद तुम नहीं करना ना करो यार, मस्त रहो, छोड़ दो, अगला दिन आएगा तब देखेंगे। लगे रहोगे तो भी तुम्हारे दिमाग ही ख़राब करना है तुमने, कल एग्ज़ाम है कुछ इंपॉर्टेंट है, तो तुम 11, 12, 1, 2 बजे तक जब मतलब जागो। बट अगर तुम आ चुके हो उस चीज़ पे कि तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपने आप को शांत रखना सीखो, उस डे का एंड अच्छे से करो, रिपोर्ट करो एक्चुअल में चाहते क्या हो। पर्पज़ जो बोला था, एक वर्ड बड़ा खतरनाक है पर्पज़। लाइफ का कोई गोल नहीं होता, क्योंकि अगर लाइफ को कोई गोल हो और वो अचीव हो जाए तो लाइफ तो बेसिकलेस है, बेसलेस है यार। आपका गोल तो अचीव हो ही गया तो अब क्या करोगे? तो लाइफ का पर्पज़ है। पर्पज़ का मतलब क्या है, जो ये 7 लेवल्स है ना, बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इन हर लेवल की ना जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको एक्सपीरियंस करो कि यार हो क्या रहा है। जब ये पर्पज़ रहता है ना तो आपका वो पर्पज़ कभी फुलफ़िल होगा नहीं, बिकॉज उसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बात ही ख़त्म। एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, फैंटेसी लीग्स लिख के ले ले भाई। 8 लाख लोग टीम बना रहे हैं, तेरी एक टीम पहले नंबर पे जाने से रही। 100 अगर टीम्स भी है ना तो कम से कम मिनिमम 15 लोग होंगे जिन्होंने मेन जो एकदम सिंपल कैप्टन है उसको चूज़ किया होगा, तो तू एक टीम के साथ तो सोच ही मत कि कभी जीत सकता है ड्रीम लीग टीम, फैंटेसी लीग। अगर जीतना चाहता है तो कॉम्बिनेशंस बना, एक ही कैप्टन के साथ खेलना है तो देख क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं। अगर वो कैप्टन उस दिन सही है तो देख तेरी कितनी आगे तू पहुंच रहा है, ठीक है?
तो सीख लर्निंग है, लर्निंग के साथ रहेगा तो चाहे अगर पैसे हार भी गया ना 5-10 हज़ार रुपये, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो एक्सपीरियंस जो लर्निंग आएगी ना साथ में वो बहुत अच्छी आएगी। इसी के साथ साथ तो अपने इंग्लिश लैंग्वेज पे भी जा सकता है, जो अभी तक नहीं की, कब से सोच रहा था अपने लिए। हम कह रहे हैं कि लोग मेरी कमिटमेंट पूरी नहीं करते, तो खुद अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा है, अपने लिए तो अच्छा कर नहीं पा रहा भाई। तू बॉडी की बात करते हैं, जंक खाने लग जाता है, तू बॉडी बनानी है, बेली फैट तेरे से निकल नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा भाई? क्योंकि हम अपने लिए भी बढ़िया नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो ये जो भी देख रहे हैं ना, ये अगर जो कह रहा है कि मेरे दिल पे सट लगी है किसी के लिए भी, भाई अगर हम खुद अपना बढ़िया नहीं कर रहे तो कोई और क्यों ही करेगा हमारा बढ़िया? अपनी उम्मीदों पर नहीं खड़े उतर रहे, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को धीरे धीरे लिखो और फुलफिल करो। अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस बताऊं, एक बॉडी के लेवल पे आ गया यार, अच्छी बॉडी करनी है। एक रिलेशनशिप के मैटर में क्या होता है यार, दिमाग नहीं ख़राब करना किसी का, तो उसके लिए शांत रहना सीखो, चुप रहना सीखो, और उसको कम बोलना सीखो, उसकी बातों को सुनो अगर, और शांत रहना सीखो, ज़्यादा उसको समझाओ ही मत, या जो एकदम बढ़िया माहौल है तरीके से समझाओ, जो तुम्हें लगता है समझा पाओगे। तीसरा आता है जॉब एंड फाइनेंस, यही मेन दिक्कत है। करियर, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू हैव अ करियर इन लाइफ। करियर मन से आ रहा है सीए बनना तो बनो, अगर सिर्फ चूज़ कर लिया था ज़िद है ख़त्म करने की, पहले एक स्टेबल करियर चूज़ करो जब तुम्हारा हो जाए। जैसे तेरा करियर है, तो करियर की बात करूँ, तू फाइनेंशियली फिर भी ओके है, बट डैड के दम पे, अपने दम पे तूने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो तू क्या कर सकता है? फैंटेसी लीग इज़ अ गुड ऑप्शन, अगर अगर इसमें पोटेंशियल है, कोई टीम बना सकता है तू, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। गेमिंग के हिसाब से जा, एक्सपीरियंस के हिसाब से जा, लर्निंग के हिसाब से जा, बहुत ईजी है। और लाइफ का सबसे बढ़िया फंडा है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ या ना? हाँ जी है, ये एक पॉइंट। हाँ जी नहीं है, तो दुखी क्यों हो रहे हो? खुश रहो ना, मस्त रहो। अगर प्रॉब्लम है, एक और सवाल, क्या इसका सलूशन है? एक आएगा हाँ, एक आएगा ना। अगर है तो क्यों रो रहा है? सलूशन पे काम कर, निकाल दे प्रॉब्लम खत्म। अगर नहीं है तो भी क्यों रो रहा है? वो प्रॉब्लम है ही, मतलब कि सलूशन है ही नहीं उसका, वो तो होना ही होना है। जो इंसान अपना दिमाग को सड़ रहा है, तेरी 1 लाख में से अगर 20 हज़ार पे सड़ रहे हैं, तो सड़ ही रहे हैं ना, क्योंकि उसका सलूशन नहीं है तेरे पास, तो वो सड़ने ही दो, ठीक है? बेसिक्स क्लियर करने हैं। पहले 5 रूल है, जैसे हमारे 5 वो है ना, आर्ट ऑफ लिविंग के की पॉइंट्स हैं, बस ये है। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर तेरे पास जिंदगी भर पैसा रहता, तेरा मन हमेशा ही शांत रहता, क्या तू कभी समझ पाता है इस पीस की वैल्यू? तेरा को पीस की वैल्यू, शांति की वैल्यू तब समझ आती है ना, जब तू देखता है दुख क्या है, मन शांत क्या है, घबराहट क्या है, तब कहते हैं ना वाह वेरी गुड। दूसरा रूल क्या था? नहीं समझ आ रहा ना, तीसरा बता देता हूँ। तीसरा है डोंट बी फुटफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन। कोई भी कुछ भी कह देता है, लोग यार मज़े लेने आते हैं, लोग अपने घर वाले मत कहियो, बट लोग वो मज़े लेने आते हैं, उनकी बातों को ना, उनको मुंह में मत को, बट देख लो कि हाँ मज़े लेने आ रहे हैं, उसको समझो और जाने दो ऐसे ही, ठीक है? ये होती है तीसरा। चौथा क्या? एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। यार कई बार ना आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो जैसा है उसे जैसे ही रहने दो। चेंज करना चाहते हो, आराम से उसको एक बात बोल दो, बोल दो, बट उसके बिहेवियर या उसकी हरकतों के कारण अपना दिमाग ना साड़ो, अपना मन ना साड़ो। तुम एक इंडिविजुअल हो, इतनी बड़ी दुनिया में तुम एक इंसान हो, इंडिविजुअल, अपने आप से खुश रहना सीखो। पांचवा आता है प्रेजेंट मोमेंट इज़ इनएविटेबल। इसका मतलब क्या है यार? ये जो अभी हो रहा है ना, यही होना है, कुदरत का खेल है। पार्क में जाके ना कभी शांति, नेचर के साथ रहना सीखो, तुम्हें समझ आएगा ये दुनिया जो बनी है ना, इससे अल्टीमेट कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ क्या थी फिर? दूसरों की गलती में ना इंटेंशन को मत देखो। गलती का मतलब गलती होता है, फ्रॉड और गलती में फ़र्क है। फ्रॉड में इंटेंशन गलती ही होती है, पर अगर किसी से इंटेंशन गलत नहीं थी, कुछ गलती से आपका हो गया, तो उसको बार बार वो मत बोलते रहो यार ये तो इसने जानबूझ किया, जानबूझ किया। उसी तरह 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम सीख जाओ उनके वर्ड्स की डेफिनेशन मतलब, और उसको अपनी लाइफ में ले आओ, बात बन जाएगी। ए से अवेयरनेस एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है नज़रिया। अगर सिर्फ लाइफ के प्रति नज़रिया ही चेंज कर दो ना, सब खेल बदल जाएगा। सिर्फ एटीट्यूड चेंज करना। एटीट्यूड मतलब हार में भी जीत को समझना होता है। यार मैंने तो गलत किया था, मैं पिछले 2-3 मैचों में अगर पैसे हारा हूँ 700-800 रुपये, उसका रीज़न क्या था? मैंने उसको चेक ही नहीं किया, एक ही पैसे में लगा दिए, तो होता ही है, या ऐसे ही 200 बन जाते, ऐसे ही 200 निकल गए। एटीट्यूड। अवेयरनेस का मतलब क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है ना, उस मोमेंट में रहो। एक्चुअली हम सारे इतने हैबिचुअल हो चुके हैं ना अपने फ्लो में जाने के, हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अवेयरनेस और एटीट्यूड इज़ वन थिंग।
सेकंड इन बेसिक्स, कीप द बेसिक राइट्स। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, सब कुछ है, तुम्हारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, बट फिर भी तुम दुखी हो। इसका रीज़न क्या है? तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारे डिज़ायर्स बहुत हैं। दुनिया में एक भी बंदे का डिज़ायर पूरा नहीं हो सकता, बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं चल यार थक गए बस, बहुत कुछ देख लिया दुनिया में, अब और नहीं। बट नेसेसिटी सबकी पूरी हो जाएगी, रोटी को सब खाए पिए बैठे हैं, बट डिज़ायर एक का नहीं पूरा होना। तो बेसिक से ये रखो बिहेवियर, अपना अपनी चाल से बंदे को दिखाओ यार क्या बंदा है, ठीक है। सी से आएगा कमिटमेंट एंड क्लैरिटी। क्लैरिटी इज़ द बिगेस्ट वर्ड। क्लियर रहो मन में करना क्या चाहती हो, अगर क्लैरिटी नहीं है तो दिमाग ख़राब है। कमिटमेंट, कोई काम कर लिया कि आज ये करना है तो कर दो, साथ रहो। लॉयल्टी कमिटमेंट एक ही चीज़ है। डी से आता है डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेंट रहो अपने काम में, पूरी जान डाल दो उसमें, आग लगनी चाहिए। और ई से क्या आता है? एनर्जी, एंथुजियास्टिक और एनर्जी, एंथुजियास्टिक एंड एनलाइटनमेंट। माहौल को समझो, नॉलेज लो लाइफ के बारे में, एनर्जी में रहो अपने, ना धीरे धीरे अपने में बदलाव लाओ। एनर्जी मतलब जो चीज़ें करना चाहते हो ना उनको लिखो और कर दो, सोचते मत रहो। जितना जितना काम को करते रहोगे मन को शांत रखो, काम करो मन को शांत रखो, दिस इज़ द की ऑफ लाइफ। कोई भी चीज़ करनी है ना अब से, अब मैं तेरे को बता रहा हूँ, अनटिल 40 डेज या IPL या वर्ल्ड कप तक एक काम करियो, जितनी एक्सपेरिमेंट्स करनी है ना मैच लेके उनकी पॉसिबिलिटीज लिखो, और उसके बाद लिख दे कि इतनी पॉसिबिलिटीज हैं बट मैं इन पॉसिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। शांत है तब तेरा काम, माइंड क्लियर है। ओके, ऑल द बेस्ट। 22 मार्च का यही ज्ञान था, क्वेश्चन है मुझे में। टाटा जाने भाई।